सो हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर लेक्चर नंबर 1 पे बेस्ड है। कल मैंने लेक्चर नंबर 1 में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है उसका एक बेसिक क्वेश्चन लेकर मैंने आपको समझाया था। आज उसी चीज को डिटेल में ले जाएंगे। हमने कल समझा था कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, पार्टनर्स सैलरी आती है, पार्टनर्स कमीशन आता है, डिविजिबल प्रॉफिट आता है। ये कल पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे इनकी एंट्रियां होती है, ये होते क्या है, ये सब समझाया था। अब ये जितनी भी चीजें अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है ना, इनमें से एक एक चीज को उठा के उसके डिटेल में जाएंगे। हम हर चीज को एक एक पॉइंट को उठा के और एक एक पूरा लेक्चर उसके ऊपर स्पेंड करेंगे, हर पॉइंट को कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे। इसके पीछे ऑब्जेक्ट, इतना ज्यादा टाइम इन सब चीजों के पीछे लगाने के पीछे का ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, सो देट आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन आप खुद कर सको इस ऑब्जेक्ट से। तो आज मैं आपको 2 वर्ड्स क्लियर करूंगा, एक तो चार्ज और दूसरा अप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ये वर्ड क्लियर करेंगे, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है ये आज क्लियर करूंगा। बस सिर्फ इतनी सी बात इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि इसके बेसिस पर न जाने कितने लेक्चर क्वेश्चन बेस्ड है इन सब पे, ठीक है। तो पहली चीज है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये क्या होता है वो समझाऊंगा। ऐसा कोई भी पेमेंट, ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस या लॉस जिससे बिजनेस का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, वो पेमेंट, वो एक्सपेंसेस, वो लॉस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ। अगर बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट होता है तो उससे बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। लाइट का बिल पे करेंगे तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो लाइट का बिल का पेमेंट जो है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसको बोलते हैं, जिससे बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट होगा, अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट होगा तो उससे बिजनेस का प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बैड डेट्स हो गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो किसी लॉस से प्रॉफिट कम हो, किसी एक्सपेंसेस से प्रॉफिट कम हो, तो वो चीज को हम क्या बोलते हैं अकाउंट की लैंग्वेज में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब दूसरा वर्ड क्लियर कर रहा हूं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस में जो फाइनल प्रॉफिट आता है, जिसको कि नेट प्रॉफिट बोला जाता है, वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को ही अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे बिजनेस में बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही है, सैलरी तो एम्प्लॉइज को मिलती है, पार्टनर्स को सॉरी मिलती है, क्योंकि पार्टनर तो बिजनेस के मालिक है, बिजनेस के प्रोप्राइटर है, बिजनेस के ऑनर है, उनको काहे की सैलरी, सैलरी तो एम्प्लॉइज को दी जाती है। लेकिन पार्टनर को जो सैलरी दी जा रही है ये उनके एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से उनको दी जाती है, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट हुआ, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हुआ। तो जो फाइनल प्रॉफिट होता है, रिपीट कर रहा हूं पूरी बात, जो फाइनल प्रॉफिट होता है जिसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में एग्रीमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। उस नेट प्रॉफिट में से जो जो चीजें पार्टनर को देते जा रहे हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आगे बढ़ने के बाद इन सब चीजों को अभी और बहुत सारे एग्जांपल ले लेके समझाऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ मेरा पॉइंट, इसके बारे में बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। पर इसके पहले एक बच्चे का क्वेश्चन है, हाँ बेटा यूं कर रहे थे ना आपने, यूं कर लिया था, कोई बात नहीं,
तो आगे सुनिएगा। तो मैंने आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉपर्टी और अप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी का पहले सिंप्लीफाई किया, उसको समझाया। जिस पेमेंट से बिजनेस का प्रॉफिट कम हो, जिस एक्सपेंसेस जिस लॉस से बिजनेस का प्रॉफिट कम हो, ये पेमेंट ये एक्सपेंसेस ये लॉस क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जब फाइनल प्रॉफिट आता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। उस नेट प्रॉफिट में से सभी पार्टनर को जो भी चीजें दी जा रही है, प्रॉफिट में से जो पार्टनर्स को प्रॉफिट में जो चीजें दी जा रही है वो सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मीनिंग क्लियर है? Yes, sir. अब इन्हीं के बारे में और भी बहुत सारे कंसेप्ट समझेंगे। तो अगली बात शुरू करता हूं। पहले पीएनएल अकाउंट बनता है कि पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है? पहले पीएनएल अकाउंट बनता है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट बनेगा तो नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, यानी पीएनएल अकाउंट बनने के बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है थोड़ा सोचते हैं उसके बारे में। 11th के चीजें रिपीट कर रहा हूं थोड़ी सी। पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में सभी टाइप के प्रॉफिट्स आते हैं। पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में सभी टाइप के प्रॉफिट्स आते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है, उसके बाद और भी बहुत सारे प्रॉफिट्स लिखे जाते हैं, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, जैसे रेंट रिसीव्ड, जैसे कमीशन रिसीव्ड, ये सभी इनकम्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट में आती है। और इन सभी इनकम्स के अगेंस्ट में, इन सभी इनकम के अगेंस्ट में जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आते हैं। उनके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आती है। ये अगला कंसेप्ट शुरू हो चुका है मेरा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आती है। पीएनएल अकाउंट का फाइनल अमाउंट जो बच जाता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं या नेट लॉस बोलते हैं। पहले नेट प्रॉफिट पे चलेंगे अपन। तो नेट प्रॉफिट जो आया ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। इस प्रॉफिट में से जो जो चीज ये पार्टनर्स को देंगे उन्हें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, और ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की जितनी भी चीजें होती है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आती है। इज इट? तो कंसेप्ट कौन सा क्लियर किया वो सुन लेना। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली आइटम्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आती है, जबकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम्स पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आती है। पीएनएल अकाउंट पहले बनता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाद में बनता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें लिखते टाइम ये नहीं देखा जाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट है भी कि नहीं है, प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, पार्टनर को देना ही पड़ता है। चार्ज अगेंस्ट की चीजें लिखी ही जाती है, लेकिन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले देखना पड़ता है कि प्रॉफिट है भी कि नहीं है, नहीं तो वो नहीं देंगे। अगर पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट नहीं आया, नेट लॉस आया, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं है। पीएनएल अकाउंट में से ही नेट लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में इंडिविजुअल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता है। ये दूसरा कंसेप्ट शुरू हो चुका है मेरा। अगर पीएनएल अकाउंट में नेट लॉस आया, पीएनएल अकाउंट में नेट लॉस आया, तो कौन सा अकाउंट नहीं बनेगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनता है। है नहीं प्रॉफिट तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे? लॉस आ रहा है तो लॉस पीएनएल अकाउंट में से डायरेक्ट पीएनएल अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? यानी पीएनएल अकाउंट तो हमेशा बनता है, लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट जरूरी नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नेट लॉस आता है,
लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाली इनकम्स भी क्वेश्चन में दी होती है। लॉस आता है, नेट लॉस आता है, लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाली इनकम्स भी क्वेश्चन में, तो उस केस में लॉस होते हुए भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, नेट लॉस वहां ट्रांसफर होगा। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाली एक ही इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ये एक इनकम है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, नेट लॉस उसमें जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उसमें जाएगा और वो बनेगा। इस बात को मैं इसी इस छोटे और पॉइंट को जो अभी समझा रहा हूँ, ये पॉइंट थोड़ा डिटेल में एक क्वेश्चन के थ्रू वापस समझाने वाला हूँ आने वाले लेक्चर्स में। बाकी बात तो मैं ज़्यादा ध्यान देना, ये नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, ये रिपीट करूँगा पॉइंट को मैं, तो आगे समझा रहा हूँ। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, उनके थ्रू बताऊँगा कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। पार्टनर्स की ड्यूटी होती है कि वो बिजनेस के लिए काम करे, बिजनेस का हर काम करने की ड्यूटी पार्टनर्स की है और बदले में उनको शेयर इन प्रॉफिट मिलता है। पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बदले में उनको शेयर इन प्रॉफिट मिलता है। पार्टनर्स बिजनेस में एफर्ट्स लगा के सेल को बढ़ाते हैं, सेल करने के लिए काम करते, अप्रोच लगाते ताकि बिजनेस की सेल ज़्यादा हो तो प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो बदले में उनको शेयर इन प्रॉफिट मिलता है। अगर पार्टनर बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, अगर पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बदले में उनको शेयर इन प्रॉफिट भी मिल ही रहा है, तो फिर ऐसे केस में उनको अलग से सैलरी क्यों दी जाती है, उनको कमीशन क्यों दिया जाता है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, अब वो बात समझाऊंगा। ठीक है, सभी पार्टनर को शेयर एंड प्रॉफिट मिलता है माना, लेकिन मोटिवेशन नाम की कोई चीज भी तो होती है, इंसेंटिव नाम की कोई चीज भी तो होती है, इंसेंटिव देना जरूरी है, हर फील्ड में लोगों को मोटिवेट करना जरूरी है। तो पार्टनर बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करे, बिजनेस में अंदर कोई एक्स्ट्रा काम आया है तो कोई पार्टनर उस एक्स्ट्रा काम को करने के लिए मोटिवेट हो, ये नहीं सोचे कि प्रॉफिट तो सबको मिलना है, ये एक्स्ट्रा काम मैं क्यों करूं, ऐसा कोई पार्टनर न सोचे, इसलिए उनको सैलरी दी जाती है। पार्टनर से कहा जाता है कि भाई ये एक्स्ट्रा वर्क है, जिस पार्टनर को करना है वो करे, बदले में उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी के नाम पे वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। तो सैलरी टू पार्टनर क्या है, ये हम बीइंग एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे रहे, बीइंग एक्स्ट्रा वर्क फॉर एक्स्ट्रा वर्क, बीइंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट इसको दे रहे हैं, ये सैलरी टू पार्टनर। तो सैलरी टू पार्टनर पार्टनर के लिए इंसेंटिव है, उसका मोटिवेशन है, क्लियर, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ही है, उसी का पार्ट है। पार्टनर बिजनेस की सेल को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बदले में उनको मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि और काम करते रहे, कमीशन दी जाती है उनको, तो कमीशन तो ब्रोकर को दी जाती है, पार्टनर को इसलिए दे रहे कि वो उनके लिए इंसेंटिव बन जाता है कि भाई जो सबको शेयर एंड प्रॉफिट मिलना है वो तो हमको भी मिलना है, हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए एक्स्ट्रा अप्रोच लगा के अपन सेल बढ़ाओ। तो पार्टनर की कमीशन ये उनका इंसेंटिव है, प्रॉफिट में से एक्स्ट्रा हिस्सा है उनका, शेयर एंड प्रॉफिट ही है ये भी। अगर कमीशन टू पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट है मतलब वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हुआ। तो मैंने आपको एग्जांपल लिए, पार्टनर सैलरी पार्टनर कमीशन, ये अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के एग्जांपल थे। अब पार्टनर्स को मिलने वाली कुछ ऐसी चीजें मैं ले रहा हूं एग्जांपल में जो अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होती ही नहीं है, अब वो एग्जांपल ले रहा हूं। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को कोई असेट यूज करने के लिए दे, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को कोई असेट यूज करने के लिए दे तो ये असेट बिजनेस को यूज करने के लिए जो दिए ये उसकी बीइंग अ पार्टनर को ड्यूटी नहीं बनती है, बीइंग अ पार्टनर कोई ड्यूटी नहीं है उसकी, लेकिन वो दे रहा है और बदले में उसको कुछ मिल रहा है तो वो उसको बीइंग अ पार्टनर नहीं मिल रहा है, जो बदले में कुछ मिल रहा है वो असेट के बदले मिल रहा है, असेट के यूज के बदले मिल रहा है, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। जो बात मैंने अभी अभी बोली है ये बात मैं रिपीट भी कर रहा हूँ और साथ में एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा, तो जो बात मैंने अभी बोली उसको ध्यान से वापस से सुन लेना। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को कोई असेट यूज करने के लिए दे
तो ये असेट बिजनेस को यूज करने के लिए देना, ये उसकी कोई बीइंग अ पार्टनर कोई ड्यूटी नहीं बनती है, पर वो असेट बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। कहीं और से ली जाए, इससे बेटर है कि पार्टनर ने बिजनेस को दे दी, और उस असेट को यूज करने के बदले में अगर कोई अमाउंट पार्टनर को दिया जा रहा है, असेट को यूज करने के बदले दिया जा रहा है, बीइंग अ पार्टनर नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, वो अमाउंट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बिजनेस को एक बिल्डिंग रिक्वायर्ड है, बिजनेस चलाने के लिए, गोडाउन के लिए, फैक्ट्री के लिए, किसी और चीज के लिए बिजनेस को एक बिल्डिंग चाहिए। अब बिजनेस कहीं और से किराए से बिल्डिंग ले, पार्टनर ने कहा कि मेरे पास है बिल्डिंग, मैं ही अपने बिजनेस को किराए पर दे देता हूं। तो जिस पार्टनर ने बिजनेस को बिल्डिंग किराए पर दी, रेंट पर दी, पार्टनर को उसके बदले रेंट मिलेगा। तो पार्टनर को जो रेंट मिल रहा है वो बीइंग अ पार्टनर रेंट नहीं मिल रहा है, पार्टनर को जो रेंट मिल रहा है वो बीइंग अ लैंडलॉर्ड मिल रहा है। इसलिए जो रेंट पार्टनर को बीइंग अ लैंडलॉर्ड मिल रहा है वो एज अ चार्ज है, एज अ अप्रोप्रिएशन नहीं है। इज इट? इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी पार्टनर को रेंट मिल रहा है वो चार्ज है, तो रेंट टू पार्टनर कहां आना चाहिए? पीएनएल अकाउंट में कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? पीएनएल अकाउंट में आए। तो रेंट टू पार्टनर तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आता है, जबकि सैलरी टू पार्टनर तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है। क्लियर और नॉट? बिजनेस में सभी पार्टनर ने बीइंग अ पार्टनर जो कैपिटल लगानी थी वो लगा दी। नया एग्जांपल ले रहा हूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं। पार्टनर्स को जो कैपिटल इन्वेस्ट करनी थी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो उन्होंने इन्वेस्ट कर दी। बाद में बिजनेस को थोड़ी और मनी की जरूरत पड़ गई, थोड़े और पैसे की जरूरत पड़ गई, कहीं और से उधार लिया जाए। किसी पार्टनर ने बोला कि हम बाहर जाके किसी और से क्यों उधार मांगे, मेरे पास पैसे हैं, मैं बिजनेस को एडवांस देता हूं, मैं बिजनेस को लोन देता हूं, बाहर से क्यों ले हम, मुझे इंटरेस्ट दे देना। तो बिजनेस उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को दिया जा रहा है वो उससे जो पैसा लिया था बिजनेस ने उसको यूज किया, उस यूज के बदले में दिया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन, रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को दिया जा रहा है उससे जो पैसा लिया गया था उसको यूज किया, उस यूज के बदले दिया जा रहा है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन उसको बीइंग अ पार्टनर नहीं दिया जा रहा है, बीइंग अ लेंडर दिया जा रहा है। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हुआ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ, तो फिर कहां आएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। एग्रीड? एग्रीड। इसके बारे में एक और बात, जो भी एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उस रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को दिया जाएगा। एग्रीमेंट वाली इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, और अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ था तो 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये लॉ है, ये समझ लेना और माइंड में याद कर लेना। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम की रेट से अगर एग्रीमेंट नहीं है तो, और एग्रीमेंट है तो जो एग्रीमेंट में तय हुआ है वही मिलेगा उसको, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, जो भी है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा, ये वाली बात में बाद में और बहुत ज्यादा डिटेल में लेने वाला हूं, पूरा लेक्चर ही इस पॉइंट के ऊपर चलने वाला है, पर इतना पॉइंट तो अभी से पक्का कर लेना तो उससे वो लेक्चर आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए कहां आएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा। एग्रीड? तो इस ढंग से चार्ज अगेंस्ट वाली आइटम पीएनएल अकाउंट में आती है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली आइटम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आती है। नया कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट नया है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम्स देनी ही पड़ती है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हुआ हो चाहे कम हुआ हो, उतना अमाउंट चार्ज अगेंस्ट वाले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स का पेमेंट तो करना ही पड़ता है। लाइट का बिल, बिजनेस को प्रॉफिट हो या नहीं हो वो तो उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज के सैलरी का पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे
ना हो, भले बिजनेस लॉस में चला जाए, भले प्रॉफिट कम हो, देना ही पड़ेगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम में ये नहीं देखा जाता है कि बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट है भी कि नहीं है, देने ही पड़ेंगे। लेकिन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो तभी दी जाएगी जब बिजनेस में प्रॉफिट हो। प्रॉफिट ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन का है का? प्रॉफिट कम है तो कम दिया जाएगा, भले एग्रीमेंट था कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है, सैलरी पार्टनर को देना है। अब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कहां से दोगे, क्योंकि वो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं है तो कहां से दोगे तुम? क्लियर और नॉट? सबको क्लियर है ये बात? सो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट की बात चल रही है, इसको मैं आगे अब और क्लियर कर रहा हूं, सुनिएगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना है। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। एक नया कंसेप्ट ले रहा हूं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट रिक्वायर्ड है। पीएनएल अकाउंट तो बनाने के लिए बोला भी नहीं है। अब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां लिखोगे? कल ही समझाया था लेक्चर के अंदर, लेक्चर वन में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है और साथ में मैनेजर कमीशन भी दी हुई है। मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि पीएनएल अकाउंट में आता है। अगर क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन दी है मतलब वो अभी अकाउंट फार नहीं हुई है, अकाउंट में नहीं लिखी गई है। अगर अकाउंट में नहीं लिखी गई मैनेजर कमीशन तो नेट प्रॉफिट आ कैसे गया, यानी कि वो नेट प्रॉफिट इनकरेक्ट है। अगर मैनेजर कमीशन लिखी नहीं और नेट प्रॉफिट आ गया, इसका मतलब वो नेट प्रॉफिट गलत है, उसको रेक्टिफाई करेंगे और करेक्ट वाला प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा वो करेक्ट प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। पर लिखेंगे कैसे अकाउंट के अंदर, अब वो समझा रहा हूं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा अंदर पर्टिकुलर्स कॉलम में, और पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ही मैनेजर कमीशन माइनस कर देंगे और बाकी अमाउंट बाहर लिख देंगे। तो पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो माइनस प्लस किया जाता है ना, वो वर्किंग है, वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है। यानी आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि सर मैनेजर कमीशन तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आता है, तो ये हमने अप्रोप्रिएशन में कैसे लिख दिया? तो भाई हमने अप्रोप्रिएशन में लिखा नहीं है, हमने अंदर लिखा है, मतलब वो तो वर्किंग का पार्ट है। इज इट क्लियर सभी को? अब ऐसे कोई और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम आ जाए तो, रेंट टू पार्टनर आ जाए तो, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर आ जाए तो, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये सब भी नेट प्रॉफिट में से माइनस होगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर और नॉट? सबको क्लियर है? अब फाइनल अमाउंट बाहर लिख देंगे फिर। क्लियर? ऐसे ही एक और इसके उल्टा वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट इज रुपीज 1 लाख आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर्स सैलरी रुपीज 10,000। रिपीट कर रहा हूं, मान लो कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट इज रुपीज 1 लाख आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर्स सैलरी रुपीज 10,000। तो नेट प्रॉफिट दिया है, पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद, जबकि पार्टनर की सैलरी तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है वो तो सैलरी माइनस करने के पहले का आता है, और यहां माइनस करके दी हुई है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करेंगे। अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में नेट प्रॉफिट अंदर लिखेंगे 1 लाख, उसमें सैलरी टू पार्टनर 10,000 प्लस करके बाहर लिख देंगे, तो करेक्ट प्रॉफिट बाहर हमने लिखा। और जो सैलरी हमने प्लस किए, मतलब जो माइनस हो गई थी वो प्लस करके कैंसिल कर दी। अब सैलरी टू पार्टनर डेबिट में आती है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वहां तो आएगी आएगी अपनी जगह पर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैंने आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के कंसेप्ट क्लियर करें, और उनके बेसिस पे कोई चीज माइनस या प्लस क्यों होती है, कहां पे क्यों आती है, वो कंसेप्ट क्लियर किए मैंने आपको। ठीक, इनके बेसिस पर टीएस ग्रेवाल के एडिशन 2018 से 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 8, 12 एंड 13, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स रेगुलर क्वेश्चन करते रहना, चीज़ें आगे बर्डन नहीं पड़ेगा और हर लेक्चर को ऑर्डर में देखोगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा, ठीक है। इसके आज के लेक्चर के बेसिस पे एक क्वेश्चन भी अपन करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में,